हम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में सब लोगों को खुशी हमदीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारे टेबल्स के सेल्स हैं हम उनको किस तरीके से माँ और से स्प्रेड करते हैं सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स चेक कर लेते हैं तो हम बात कर रहे थे टेबल्स की सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट करने उनके अंदर टेक्स्ट पॉपुलेट करना है। उसके बाद हमने टेबल डिज़ाइन जो टूल्स है उन पर बात की थी अभी टेबल लेआउट टूल्स पर बात कर रहे हैं ठीक है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से टेबल्स को स्प्लिट और मार्च किया जाता है तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्च और स्प्लिट के बारे में बताना चाहता हूँ मर्च का मतलब ये होता है कि दो टेबल मर्च मतलब ये दो कॉलम्स या दो रोज़ हैं या जो कुछ भी है ठीक है उन मर्ज का मतलब ये होता है कि हम उनके कंटेंट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं जैसे ये देखें हमने एक कंटैक्ट पर्सन वाले को कंबाइन किया है सिमिलरली स्प्लिट का मतलब ये होता है कि हम एक ही कॉलम या एक ही रो के अंदर फर्दर हम चीज़ें ले आते हैं जिस तरीके से ये मैंने तीन रोज डाल दिया तो स्प्लिट uh, का मतलब ये होता है कि हम एक सेल को फर्दर सेल्स में डिवाइड कर देते हैं जबकि मर्ज का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो सेल्स uh, को uh, uh, हम क्यों करते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा किस्म का डेटा उसके अंदर रखना चाहते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि लेआउट टैब में जो स्प्लिट का ऑप्शन है ये स्प्लिट सेल ये करेंगे और इन शह नेक्स्ट वीडियोज में हम इस तरह करेंगे कि स्प्लिट टेबल पर भी बात कर लेंगे ठीक है तो स्पलेट आज की वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो मर्ज सेल्स और स्पलेट सेल्स के ऊपर होगा ठीक है और ये कमांड हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो हमारा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे इस टेबल के यानी ये जो हमारा कॉलम है इसके ऊपर ऐडिंग नहीं है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम या लास्ट नेम है लेकिन हम दोनों की एक ही ऐडिंग चाहते हैं तो इन दोनों की एक एडिंग का तरीका ये है कि हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ के ऊपर करके दोनों को एक ही एडिंग दे देते हैं तो ये तरीका होता है मर्ज सेल का ठीक है इसकी मदद मतलब से हम अपनी एडिंग्स बहुत सारे सेल्स को दे सकते हैं बहुत सारे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं ठीक है तो ये आपने देख लिया ठीक है तो इस तरीके से हमने इनको मर्ज कर लिया ठीक है तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हमने एक कॉन्टैक्ट पर्सन दोनों के ऊपर लिया है ठीक है ये तो यहाँ तक था ठीक है इसके अलावा आप यहाँ देखें तो यहाँ एक कंपनी है ठीक है उसके अंदर दो पोजीशन टाइटल एक ही एक ही टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं ठीक है एक ही एक ही रो रो के अंदर पड़ी है हम चाहते हैं कि दोनों को अलग अलग हम इस तरह करें कि डिस्टिंग्विश कर सकें या कर सकें तो उसका तरीका ये होता है कि इसके अंदर हम फर्दर इसके अंदर सेल बना ले तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल कर सकते हैं या यहाँ से हम स्प्लिट सेल्स को क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो हम मैं इस तरह कर लेता हूँ कि तो दो कॉलम्स इसके अंदर फर्दर क्रिएट कर लेता हैं तो दो कॉलम बन गया अब इस टेक्स्ट को मैं इसके अंदर मूव करना चाहता हूं तो मूव करने का तरीका ये है कि कंट्रोल एक्स कर लूं या इस तरीके से मैं स्क्रॉल करके मूव कर लूं तो ये देखें एक टेबल कॉलम के अंदर फर्दर दो कॉलम है और उसके अंदर हमने दोनों जो डिजिग्नेशन या पोजीशन टाइटल है उनको फर्दर डिस्टिंगज करा दिया ठीक है वीपी रिलेशनशिप और डायरेक्टर मार्केटिंग ठीक है तो ये ये हमारा जो मेन था पॉइंट था जो हम करना चाहते थे ठीक है तो जहाँ तक तो हमने ये कर लिया ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर फर्दर रोज को स्पलेट करना चिखाऊँ तो ये हमारे पास एक बैंक वाली रो है ठीक है इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको स्पलेट करके कर दिखाता हूँ सप्लेट करने का क्या तरीका है कि जी हाँ सेल्स पर क्लिक करूँगा तो नंबर ऑफ कॉलम वन कर देता हूँ और नंबर ऑफ रोज जनाब अपनी क्या कर देता हूँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ नंबर ऑफ रोज़ कर देता हूँ दो ठीक है तो नंबर ऑफ रोज मैंने दो कर दिए हैं ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक रो को फर्दर दो रोज़ में कन्वर्ट कर लिया तो यही तरीक़ेकार है हमारा इन चीज़ों को करने का ठीक है और अगर इनको मर्ज करना तो उसका क्या तरीके कार हो गया? राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज सेल कर सकता हूँ ठीक है तो ये इस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को आ, कर सकते हैं ठीक है अगर इसको मैंने अंडू करना है तो अंडू भी कर सकते हैं सारा कुछ तो ये दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा टेबल के सेल्स को स्प्लिट करने का या मर्ज करने का तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक यानी सेल मार्जिन पर बात करेंगे कि सेल मार्जिन किस क्या होते हैं और हमारे किस तरीके से काम आते हैं तो तब तक लिए इजात दीजिए अल्लाह हाफिज़